बाट सचिव के साथ जो हो हुआ अन्याय हुआ है, इसको लेकर हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, क्योंकि जो विशेष राज्य का दर्जा है इसको एक तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में राजनीति कर रही है। पहले जातीय जनगणना को लेकर राजनीति चली थी, अब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर राजनीति चल रही है, क्योंकि खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक एजेंडा है। जब भी चुनाव आता है विशेष राज्य की दर्जा का राग अपनाते हैं। आज तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों एक साथ है, इन्होंने पहले सदस्यता अभियान भी चलाया, तो आज क्यों नहीं विशेष राज्य की दर्जा को मांग करते हैं, उसको बड़ा इशू बनाते हैं। तो हम लोग की प्राथमिकता है विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलनी चाहिए। इसके लिए जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी मुखर तौर पर आंदोलन करें। ये थरथरी प्रखंड पड़ता है हिलसा विधानसभा में, और यहीं से आए थे एक जगह श्राद्ध कार्यक्रम में। और दूसरा बात ये है कि यहाँ पर हम लोग हमारे जो पार्टी के जितने भी साथी हैं उनको हमने कम्बल दिया है, और पूरे जिला में जितने भी पार्टी के हमारे साथी हैं जो ब्लॉक लेवल के हैं सबको कम्बल दिया जाएगा। और ये वितरण का अभियान यहाँ से थरथरी से आज शुरू हो गया। अब ये कोविड को देखते हुए कहीं भीड़ लगाकर नहीं वितरण करेंगे, और ये सबको जो भी ज़रूरतमंद है, विकलांग है, विधवा है, भाई बहन जो भी, उनके घर घर जाकर हमारे पार्टी के साथी जो है कम्बल वितरण करेंगे, और आज से कम्बल वितरण की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 10 तारीख को अगले परसों पूरे बिहार में रेल चक्का जाम रहेगा। हमारे पार्टी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, इसमें हम लोग विशेष राज्य का दर्जा, किसानों के लिए MSP और साथ में बाट सचिव के साथ जो हुआ अन्याय हुआ है इसको लेकर हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, क्योंकि जो विशेष राज्य का दर्जा है इसको एक तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में राजनीति कर रही है। पहले जातीय जनगणना को लेकर राजनीति चली थी, अब विशेष राज्य के दर्जा को लेकर राजनीति चल रही है, क्योंकि खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक तरह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक एजेंडा है। जब भी चुनाव आता है विशेष राज्य की दर्जा का राग अपनाते हैं। आज तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों एक साथ है, इन्होंने पहले सदस्यता अभियान भी चलाया, तो आज क्यों नहीं विशेष राज्य की दर्जा को मांग करते हैं, उसको बड़ा इशू बनाते हैं। तो हम लोग की प्राथमिकता है विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलनी चाहिए। इसके लिए जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी मुखर तौर पर आंदोलन करें। बिहार में कोरोना के तीसरा लहर काफ़ी तेजी से फैल रहा है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? सर, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पेपर की तैयारी है, पेपर में ही फिट फाट है, ऐसे हकीकत में सामने कुछ नहीं है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही वेंटिलेटर पर है, कहीं चले जाइए, पिछले बार भी पोल खुल गया, उससे पहले भी पोल खुल गया, और अब जो भगवान न करे कि पहले जैसा कोई स्थिति आए, यदि आता है तो बिहार का स्वास्थ्य विभाग साफ तौर पर उजागर हो जाएगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू दानवीर, युवा प्रदेश अध्यक्ष।